नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर अरकाना के 10वें कार्ड की, बात करेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून की। 10 नंबर का कार्ड यानी अगेन वन यानी सूर्य और डायरेक्शन, जो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी सिम्बोलॉजी को और ये कार्ड क्या कहता है। फॉर्चून यानी किस्मत का पहिया। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक बीच में पहिया है, 3 लेयर्स का पहिया है। ये 3 लेयर्स भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इनर लेयर है वो क्रिएशन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल लेयर फॉर्मेटिव पावर को, एंड आउटर लेयर जो है वो मटेरियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस कार्ड के चारों कोनों पे चार सिंबल हैं। ये चार सिंबल चार जोडियक साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड हम यहाँ देख रहे हैं कि एक महिला है पुस्तक के साथ में। दूसरे कॉर्नर पे हम देख रहे हैं कि एक बाज है पुस्तक के साथ में। तीसरे कोने पे एक गाय है किताब के साथ में। चौथे कोने पे एक लायन है किताब के साथ में। यानी जो महिला है एंजेलिक पावर है, एक महिला यानी ब्यूटी को शो कर रहा है। बाज यानी शार्पनेस सतर्कता, गाय यानी संस्कार, शेर यानी करेज को शो कर रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि एक स्नेक है, स्नेक शो करता है सडन वेल्थ गेन को। इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि व्हील के ऊपर एक पर्सन बैठा है हाथ में स्वर्ड लेकर के, एंड उसके गले पे एक पट्टी है जो ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट पट्टी का मतलब है ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद, मैं यानी सही और गलत का निर्णय इस व्यक्ति में बखूबी जानने की क्षमता है। स्वेट का मतलब है इंटेलिजेंस एंड क्विक डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि विल ऑफ फॉर्चून एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और ये शो करता है किसी भी काम के लिए अगर ये कार्ड किसी भी पर्सन को आता है, यानी उसका लक सडन चेंज होने वाला है। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी पर्सन का किस्मत बहुत दिनों से रुका सा है तो अचानक सक्सेस अनएक्सपेक्टेड लक चेंज होगा। साथ ही हमें पता है कि ये 1 नंबर का कार्ड है, तो इस पर्सन को संडे को ईस्ट डायरेक्शन में सन की रेमेडीज की जाए तो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।